1. और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब भाइयों, आज की वीडियो को बस एंड तक देखना, क्योंकि जो तुम लोगों ने थंबनेल में देखा है ना भाई, वो सच में होने वाला है। अब भाई तुम्हारा भाई एक ट्रिक बताने वाला है, जिससे भाई आप सभी को 400 का प्लस मिलेगा, अगर भाई आप लोग गोल्ड या प्लेटिनम पे हो तो। भाइयों बस वीडियो को एंड तक देखना। भाई मैं जा रहा था मिल्टा वाले इवेंट पे, लेकिन भाई मिल्टा वाला इवेंट काफी ज्यादा दूर था प्लेन पास से, इस वजह से मैं ग्लाइड करता हुआ मिल्टा में लैंड कर जाता हूँ। और भाई बस आगे का सीन देखो। भाइयों ये यूएस वाला बंदा बस 1 HP बच गया। अगर मेरे पास कोई अच्छी गन होती तो भाई मैं इसको इजीली गिरा देता। अब भाई बात करते हैं कि आप सभी को 400 का प्लस कैसे मिलेगा। तो देखो भाई, मैंने पिछले सीजन सोलो में ज्यादा रैंक पुश नहीं की थी, जिस वजह से भाई मैं प्लेटिनम 5th पे गिरा था। और भाइयों स्क्वाड में मेरी रैंकिंग थी प्लेटिनम 1, तो भाई मैंने स्क्वाड में प्लेटिनम 1 से सीधा डायमंड 5th लगा दिया, जिसकी वजह से भाई मेरी सोलो में और डुओ में दोनों में रैंक बढ़ गई। और भाई सोलो में मेरा प्लेटिनम 1 लग गया खुद ही, सीधा सीधा 400 का प्लस मिला फ्री में। और भाइयों मेरे दो दोस्त भी गोल्ड 2 पे थे, क्योंकि उन्होंने भी पिछले सीजन बिल्कुल भी रैंक पुश नहीं की थी। तो भाई मैंने उन्हें यही कहा था कि तुम लोग पहले स्क्वाड में डायमंड लगा लो, जिसकी वजह से भाई उनकी भी रैंक बढ़ गई सोलो में। तो भाई उनका पहले गोल्ड 2 था और भाई अभी प्लेटिनम 3 लग गया उनका खुद ही, उनको भी 400 का प्लस मिला। तो भाई आप लोग भी ये ट्रिक अजमा सकते हो अगर आपकी सोलो में रैंक ज्यादा ही कम है तो। अब भाई बात करें गेम प्ले की, तो भाई मुझे यहाँ पे एक बॉट मिल गया था। अब भाई वो बॉट को किल करके मैं आगे गाड़ी ढूंढता हुआ जा ही रहा था कि तभी मुझे ओपन में एक गाड़ी तो मिल जाती है। भाई मैं गाड़ी पे जा रहा था तभी एक सामने से बाइक वाला बंदा जा रहा था, और भाई इसमें इतनी ज्यादा चुल होती है ना, बस देखो। अब भाइयों ये बंदा अच्छा खासा रिकॉल वाले टावर की तरफ जा रहा था, भाई पता नहीं क्यों बीच में रुक के मेरे से फाइट लेने लग गया। भाई अच्छा खासा माइनस पड़ा होगा इस बंदे को, क्योंकि भाई अभी ये बंदा वहाँ पे गया नहीं था उस वाली जगह पे, ये पहली फाइट लेने लग गया मुझसे। तो भाइयों आप सभी को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, सबसे पहले भाई रिकॉल लेने जाओ, उसके बाद भाई थोड़े बहुत किल उठाओ। भाई मैं पहुंच जाता हूं इस इवेंट वाली जगह पे, और भाई आज की डेट में ना मेरा एक भी मैच अच्छा नहीं जा रहा है। कभी भाई हैकर मार दे रहा है, कभी कैंपर मार दे रहा है, रहा बचा मेरा लैग मार दे रहा है। अब भाई मैं इवेंट वाली जगह पे रिकॉल लेने आया था, भाई यहाँ पे आते ही मुझे दो बॉट मिल जाते हैं। और आगे तुम्हारे भाई ने जो ही गेम प्ले निकाला है ना ये वाला, बस भाई एंड तक देखना, बहुत बढ़िया गेम प्ले था। पूरे दिन में भाई बस एकलौता यही गेम प्ले अच्छा गया है, जिसमें भाई तुम्हारे भाई ने चिकन निकाला, वरना हर एक मैच में किसी ना किसी वजह से मैं मर ही गया। कभी भाई कैंपर मार दे रहा, कभी भाई हैकर मार दे रहा, और भाई बाकी 30 FPS में खेल रहा हूँ तो भाई इतना भयंकर लैग होता है, कभी कभार मैं लैग की वजह से फाइट में हार जा रहा। भाई ये वाला मैच काफी अच्छा निकाला है तुम्हारे भाई ने, सीधा चिकन ही निकाला है। भाई ये वाला वीडियो बस एंड तक देखना, और भाई सामने अपने एक इस बंदे से फाइट चलती है बहुत ज्यादा देर तक, बस देखो। अब भाई इस टाइम पे वो बंदा भी 1 HP था और भाई मैं भी 1 HP था, वो बंदा भी काफी अच्छा खेल रहा था। भाई मैं थोड़ी सी हेल्थ लगा के दोबारा रश कर देता हूँ इस बंदे पे। अब भाई वो माना मैंने यहाँ पे 1v1 में हक दिया, लेकिन भाई काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था मैंने। अब भाई मेरी गन ना जल्दी चेंज नहीं होती है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लेट रिएक्ट करता है मेरा फोन। खैर छोड़ो भाई, अब मैं रिकॉल होके थोड़ी बहुत लूट करके सीधा आ जाता हूँ ड्रैगन पे, क्योंकि भाई यहाँ पे किसी बंदे ने ड्रैगन बुला रखा था याशनाया के पास। अब भाई यहाँ पे क्या सीन होने वाला है बस देखो।
अब भाई ये बंदा यहाँ पे ओपन में खड़े होकर टीपीपी लेने लग गया था, तो इस बंदे को मैं इजीली किल कर देता हूँ। भाई जिस बंदे ने ड्रैगन बुलाया था अब उसको भी किल करने वाला हूँ मैं। अब भाई इसी बंदे ने यहाँ पे ड्रैगन बुलाया था, तो भाई इसको भी किल करके और थोड़ी बहुत पेटी वेटी लूट के मैं निकल जाता हूँ सीधा जोन की सेंटर की तरफ। और भाइयों आप सभी को अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो रैंक पुश में तो भाई एक बार कमेंट करके बताना जरूर, तुम्हारा भाई उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का फुल ट्राई करेगा। भाई मैं जोन में जा रहा था, तो जोन में जब भी आप लोग एंटर करते हो ना तो भाई फुल हेल्थ करके ही एंटर किया करो। और भाई हर बार जहाँ पे भी आप लोग हेल्थ लगा रहे हो ना अगल बगल देख लिया करो। भाई मैं यहाँ पे देख रहा था और भाई मैं हेल्थ लगा लेता हूँ और भाई आगे एक बंदे को देखना, बस वो मेरे सामने रुक के हेल्थ लगाने लग जाएगा। अब भाई ऊपर से एक बग्घी जा रही, अब भाई इस बंदे के पास नशे देखो, आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करनी। अब अमन भाई आप किसी के सामने ऐसे रुक के हेल्थ मारोगे तो भाई वो बंदा तो इजीली किल कर ही देगा। भाई मैं जोन के अंदर जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। अब भाई मैं बहुत देर यहीं पे होल्ड करता हूँ, तभी नेक्स्ट सर्कल अपने से शिफ्ट हो जाता है। भाई अब नेक्स्ट सर्कल में देखो कहाँ पे जाके मैं होल्ड करता हूँ। अब भाई मैं सीधा जोन के सेंटर में ला के बग्गी ठोक देता हूँ, क्योंकि भाई अपने किल भी अच्छे खासे हो गए हैं और भाई टॉप 10 भी हो चुका है। अब मर भी गए तो भाई अच्छा खासा प्लस तो अपने को मिल ही जाएगा। अब भाई यहाँ पे बहुत सारी फाइट होती है लेकिन भाई तुम्हारे भाई को एक भी किल नहीं मिलता। अब भाई सीधा लास्ट बंदा ही बचा था और जोन भी अपने ऊपर था, तो बस देखो भाई लास्ट बंदे से फाइट कैसे निकालता हूँ मैं। और भाई लास्ट बंदे की मुझे कोई भी पोजिशन नहीं पता थी, तो भाई मैं जोन के बाहर जाके अपने घर की छत पे चला जाता हूँ इजिली, ताकि भाई मैं इसे स्पॉट कर सकूँ। लेकिन भाई थोड़ी देर के बाद ये बंदा मेरे पास स्मोक करने लग जाता है और उसके बाद भाई ये बंदा डायरेक्ट रश कर देता है, तो बस फाइट देखो इस बंदे से। अब भाई इस भाई को हम इजीली किल कर देते हैं। और भाई ये मेरा इस सीजन का पहला चिकन था, तो भाई आप लोगों ने अभी तक कितने चिकन निकाल लिए एक बार कमेंट में बताना जरूर। और भाई आप लोगों का रैंक और टियर क्या है एक बार कमेंट में बता देना। अब भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करता और भाई चलते हैं फिर लॉबी में। इस मैच में मुझे मिला था 40 का प्लस और भाई अभी मेरा चल रहा है डायमंड 5th और भाई अपनी रैंक है 8000 के करीब। तो भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।